पंजाब का प्रधान आ जंगलात विभाग के जी है 8वें महीने तो लेके हूँ तक जी तनखाह ने 5-5 महीने दियाँ वो नहीं मिल रही जिसन लेके अज असी ने रोस मार्च किया। पहला असी सर्कल दफ्तर के अगे रोस रैली की तो उस तो बाद जोड़ा है 16 तरीक का आर्थिक हुक्म जारी सारे पंजाब दे विच हो रहे ने असी शमूलियत की क्योंकि वित्त विभाग के वलों लगातार साढ़े जंगलात के वर्करा जो 5000 वर्कर उन्होंने तनखा अजे तक कोई जारी नहीं की गई जिसे वर्कर बहुत बड़ा रोस आ। असी लगातार जंगलात मंत्री के नाल भी मीटिंग की उन्हें सानू विश्वास दवाया हरेक महीने की जी 7 तरीक नूं असी तनखाह दिया करा पर 4-4, 5-5 महीने लंघन तो बाद 5-5, 7-7 हज़ार रुपया वर्करा की जी तनखा है वह भी नहीं दे रही सरकार जिस करके वर्करा के बहुत बड़ा रोस पाया जा रहा है। असी लगातार जंगलात मंत्री भी ध्यान लिया रहे हैं। जंगलात मंत्री ने सानू कहा विधानसभा का जिदन सैशन बैठेगा उदन जिन्हें भी जंगलात के कामों रेगूलर कराने की गल आ जी प्रवानगी आ मैं वित्त विभाग के वलों तो अपने जी विधानसभा का सैशन बैठ रहा है वो कैप्टन साहब की मोहर लवा के लेके आऊँगा। अज असी इस करके उन्होंने ध्यान दवाने रैली कर रहे हैं भी अज सैशन बैठ रहा है साडे जंगलात के वर्कर के जिन्हें भी वर्कर साढ़े काम करते हैं 20-25 साल हो गए उन्होंने रेगूलर करवाने लिए जिम्मे होर डिपार्टमेंटा टीचर भी होए ने तो फूड सप्लाई के भी रेगूलर किए ने कामे साडे जंगलात के वर्कर भी है जिहड़े उन्होंने रेगूलर किया जाए तनखाह ना मिलने तो इलावा होर समस्या मैं किसी ने बीमार हो गया वर्करा पता तो एक पास कोई छुट्टी भी नहीं जो होर मिलती ने छुट्टियाँ कोई दस शहीदी दिहाड़ा कोई कोई त्यौहार आ गया वो तनखा उन्होंने कोई भी जी है उन्होंने छुट्टी नहीं मिलती हैगी EPF उन्होंने नहीं कट्टिया जाता ESI जी उन्होंने नहीं कट्टी जाती जो बीमार हो जाए उन्होंने दिहाड़ियाँ कट्टिया जाए उन्होंने मदद करने के बजाय उन्होंने जीडिया तनखा कट के 7-7 हज़ार रुपये के भी 5-5 हज़ार रुपया जो उन्होंने पल्ले पाया जाता है कितने कितने सारे दफ्तर के हालत यही हुई है रिटायरमेंट हो रही ने तो उन्होंने थान पर जी नवी भर्ती कोई हो नहीं रही है जिन्हें कंट्रैक्ट के लगे उन्होंने तनखा नहीं मिल रही है बहुत बड़ा जोड़ा है रोस आ वर्करा के भी सो पिछलिया सरकार भी हालत माड़ी आ इन्हों सरकार भी हालत माड़ी आ अस तो लगातार जी कर जी संघर्ष करते आ रहे हैं भी नवी भर्ती जी शुरू की जाए क्योंकि डिपार्ट सारे खाली हो रहे हैं जोड़े डिपार्टमेंटा थोड़े मोटे वर्कर उन्होंने भार पै रहे हैं जो तो भार पै रहा फिर उन्होंने जी है अफसरशाही है जी अपनी मनमानियां करती है किसी की कितने ड्यूटी ला दो किसी की कितने ड्यूटी ला दो यह जे हालात बहुत नहीं ये भी कहा गया कि जोड़े मानयोग धर्मसोत जी ने उन्होंने कहने पर इंपलाई भी डिप्यूट किए गए हैं आउटसोर्स राही है कि नहीं बहुत कितने जा रहे हैं थोड़े ध्यान है मीटिंग हुई ने मीटिंग उन्होंने मनिया है भी असं सैशन के जोड़ा है वो लेके जावे सोनू रेगूलर करा पर अजे तक कोई ध्यान नहीं दे रहा मंत्री साहब वालों कि वादा खिलाफियां की गई ने यूनियन नाल मंत्री साहब नाल एक तो रेगूलर की मांग को लेकर असं लगातार उन्होंने ध्यान के लिया रहे हैं उन्होंने हल्के भी 3-4 रैलियां कीतियां ने उन्होंने ध्यान दवाने लिए हजे तक कोई वर्कर जोड़ा है 3 साल का समा लंघाता कोई वर्कर जोड़ा है रेगूलर नहीं किया गया है ना उन्होंने कोई EPF लागू किया गया ना ESI लागू की गई है। वित्त मंत्री साहब ने साढ़े नाल ते आम जनता नाल वादा किया सब तो पहला जो कर्मचारी 2004 तो बाद दी पेंशन लागू करांगे और जिहड़े कच्चे कर्मचारी ने उन्हां नूं पक्का करांगे सो अज तक ना कर्मचारी पक्के कीते और वादा कीता सी 2001 DA दीआं किस्तां देण वास्ते और पे कमीशन देण वास्ते कर्मचारियों नाल वादा कीता सी अज तक कोई पे कमीशन जिहड़ा जारी नहीं कीता और पे कमीशन की डेटा जिहड़ियां ने वो बधाईयां जा रही और कर्मचारियों नूं भर्ती करन रेगूलर भर्ती करन दा वादा कीता सी वो अज तक भर्ती रेगूलर नहीं हुई और ठेकेदारा दा बोलबाला जिहड़ा है वध रहा दिन पे दिन ठेकेदार जिहड़े हैं लुट जिहड़ी है कर्मचारियों की कट रहे खास करके सफाई सेवकां की बहुत लुट हो रही है राजेंद्रा हस्पताल दे विच भी होर सारे महकमे दे विच जिहड़े ठेकेदार है वो मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे कर्मचारियों नूं अपनी मनमर्जी दीआं तनखावां दे रहे ने और बहुत जिहड़ी खास करके वाल्मीकि समाज की लुट हो रही है वो हुण बर्दाश्त नहीं हो रही इसलिए अगले जिहड़े संघर्ष ने वो तिखे होणगे उहदी सारी वाधे घाटे की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की वित्त मंत्री साहब की होगी।